हे गाइस, व्हाट डू यू चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है गाइस। फ्लिपकार्ट की बिग सेविंग डे सेल आई। बिग सेविंग डे सेल में आईफोन 14 और 14 प्लस पे काफी अच्छा ऑफर रहा। आईफोन 14 तो आपको 62,999 रुपए मतलब की 63,000 रुपए में भी देखने को मिल गया। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने मुझसे क्वेश्चन किया कि फ्लिपकार्ट के बिग सेविंग डे सेल में आईफोन 13 पे भी सेल आना था, लेकिन आईफोन 13 पे सेल नहीं देखने को मिली, सिर्फ और सिर्फ आईफोन 14 और 14 प्लस पे देखने को मिली। आईफोन 14 और 14 प्लस पे 10,000 रुपए तक का डिस्काउंट जो है देखने को मिल गया। और अभी फ्लिपकार्ट के बिग सेविंग डे सेल 15 तारीख को खत्म हो गई, लेकिन अभी जो आपको वन डे एक्स्ट्रा ऑफर मिल रहा है उसमें भी आपको आईफोन 14 जो है 65,999 रुपए और आईफोन 14 प्लस जो है 71,999 रुपए के अप्रॉक्स जो है देखने को मिल रहा है। मतलब ये कि अभी भी ऑफर में है, लेकिन आईफोन 13 पे कोई भी ऑफर नहीं है। मतलब ये समझ लो कि आईफोन 13 जो है बिग बिलियन डे सेल 2022 के बाद अभी तक कोई भी तगड़े ऑफर में देखने को नहीं मिला है। तो गाइस, यहां पे सबसे ज्यादा लोगों ने सवाल ये किया कि आईफोन 13 पे कब ऑफर आएगा, क्या आईफोन 13 आईफोन 14 से ज्यादा अच्छा है कि आईफोन 13 पे ऑफर अब नहीं आएगा। तो गाइस, यहां पे आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन डे सेल मतलब कि बीबीडी सेल में आईफोन 13 क्या प्राइस में देखने को मिल सकता है और iPhone 14 और 14 Plus पे क्या ऑफर आएगा। तो चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो गाइस, यहां पे मैं आपको बता दूं, देखो iPhone 13 और iPhone 14 गाइस, यहां पे समझने की बात है, iPhone 13 और 14 में कोई भी फर्क नहीं है। अगर आप कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो आपको जरा सा भी फर्क देखने को नहीं मिलेगा, चाहे वो चिपसेट पे हो गया या फिर कैमरे की क्वालिटी होगी। सिर्फ आप अगर जो थोड़ा सा डीपली जाओगे तो आपको कैमरे में जो है एक्शन मोड देखने को मिल जाएगा iPhone 14 में, जो आपको iPhone 13 में देखने को नहीं मिल रहा। बाकी ओवरऑल कॉन्फ़िगरेशन अगर ऊपरी ऊपर देखोगे तो आपको बेसिक कॉन्फ़िगरेशन जो है सेम ही लगेगा। अब यहां पे प्राइस का बहुत ज्यादा फर्क आता है, क्योंकि iPhone 13 आपको जो है अभी प्रेजेंट टाइम में अगर जो विदाउट एनी ऑफर अगर देखो तो 62,000 का देखने को मिल रहा है, वहीं iPhone 14 जो है आपको 72,000 का देखने को मिल रहा है। तो 10,000 रुपए का पूरा फर्क है, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन लगभग सेम है। तो इसीलिए iPhone 13 को लेकर के सबसे ज्यादा लोग परेशान रहते हैं, क्योंकि iPhone 13 अभी भी आपके लिए सबसे बेस्ट, अगर iPhone 14 को देखा जाए तो उसके हिसाब से iPhone 13 बेस्ट है। और iPhone 14 पे ज्यादा फोकस है एप्पल वालों का, क्योंकि iPhone 14 जो है जो कॉन्फ़िगरेशन में आया तो वो iPhone 13 से लगभग सिमिलर ही है। तो इसीलिए iPhone 14 पे ऑफर आ रहा है, iPhone 13 पे ऑफर नहीं आ रहा है। लेकिन इस बार बीबीडी सेल में iPhone 13 काफी ओल्ड स्मार्टफोन हो जाएगा, इसलिए iPhone 13 पे काफी अच्छा ऑफर जो है देखने को मिल सकता है। तो बीबीडी सेल में अगर हम एक्सपेक्टेड प्राइस अगर देखा जाए तो iPhone 13 की प्राइस हो सकती है 45,000, क्योंकि आप सबको बता दूं कि iPhone 13 जो है बिग बिलियन डे सेल 2022 में 50,000 रुपये मतलब कि 50,000 में देखने को मिला था। तो इस बार डेफिनेटली आपको जो है इससे 5,000 रुपये तक डिस्काउंट और देखने को मिल सकता है, मतलब ये कि 45,000 तक आईफोन 13 जो है देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर हम बात करें आईफोन 14 की, तो आईफोन 14 और 13 में 10,000 रुपये तक का ही फर्क रहेगा। तो अगर 45,000 रुपये तक में आईफोन 13 आता है तो 100% आईफोन 14 जो है आपको 55,000 रुपये में देखने को मिलेगा। तो दोनों ही फ़ोन काफ़ी अच्छे ऑफर में आएंगे। अब आप मुझे ज़रूर से कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि इस बार 2023 में बिग बिलियन डे सेल में आईफोन 13 की ज्यादा सेल होगी कि आईफोन 14 की आई होगी, क्योंकि दोनों की कॉन्फ़िगरेशन सेम है, बस थोड़ा सा रेट का फर्क है, बाकी ओवरऑल कॉन्फ़िगरेशन दोनों में ही सेम है। तो आईफोन 13 अगर 45,000 में आता है तो आप आईफोन 13 पे जाओगे कि आईफोन 14 जाओगे 55,000 के अप्रॉक्स में। तो अब वही अगर हम बात करें आईफोन 14 प्लस की, तो आईफोन 14 प्लस आपको 65,000 तक जा सकता है। तो गाइज, ये थे बिग बिलियन डे सेल के एक्सपेक्टेड प्राइस रेट जो आपको जो है बीबीडी सेल में देखने को मिल सकते हैं। बीबीडी सेल में इस बार आईफोन पे काफ़ी अच्छा ऑफर आएगा, क्योंकि इस बार आईफोन 15 भी जो है आपको बीबीडी सेल से पहले ही जो है हो सकता है लॉन्च हो जाए, तो आईफोन 14 का भी जो है काफी अच्छा प्राइस ड्रॉप जो है देखने को मिल जाएगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।